ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਬੱਤੀ ਥੱਲੇ ਚੜ ਕੇ ਬੱਤੀ ਥੱਲੇ ਚੜ ਕੇ जिंदर वग्गा की गिरफ्तारी पर भाजयुमो ने किया प्रदर्शन, सीएम भगवंत मान का फूंका पुतला। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा को आज पंजाब पुलिस ने दिल्ली से अरेस्ट किया है। बग्गा की गिरफ्तारी के विरोध में आज भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष गौतम अरोड़ा की अध्यक्षता में भाजयुमो ने सीएम भगवंत मान का पुतला फूंका। बता दें कि पंजाब पुलिस द्वारा भाजयुमो द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई और उन्हें सड़क के साइड पर प्रदर्शन करने के लिए कहा गया, लेकिन जब भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष गौतम अरोड़ा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि प्रदर्शन करना उनका मौलिक अधिकार है, तो पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अध्यक्ष गौतम अरोड़ा ने कहा कि पंजाब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की बजाय केजरीवाल के ट्विटर को मेंटेन कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने जनता से किए हुए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया और बदलाव की राजनीति करनी शुरू कर दी है। जड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उस तो पूरा पंजाब जानू है। पंजाब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रही, वो मेंटेन कर रही है ते केजरीवाल दे ट्विटर नू, ओदे सिक्योरिटी कर रही है। केजरीवाल दा ट्विटर देख रही है कि केजरीवाल दे ट्विटर ते कौन कर रहा है ट्वीट केजरीवाल दे खिलाफ, जबकि दूजे पासे पंजाब च पटियाला च हिंसा होता है। अज असी सवेरे 1 बजे आह्वान करते अपने कार्यकर्ता नू छोटा जिहा कार्यक्रम करन वास्ते, ते IPS लैवल दे अफसर इत्थे आ गए ने, बट पटियाला च इन्ना वड्डा हिंसा होता है, 1 हफ्ता पहले सारी रिपोर्ट होंदी है, उत्थे कोई अफसर नहीं पहुँचता, लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन नहीं होंदा। जबकि उत्थे जिहड़ी फोर्स आई सी, जिहड़े लोग आए सी दोवें समुदाय दे, पटियाले तो नहीं सी बिल्कुल, कोई फिरोजपुर तो कोई फरीदकोट तो, पूरे पंजाब भर चो आए सी। 1 घंटे च पूरे पंजाब भर च लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। देखो जी, ये सरकार के दबाव च काम कर रहे ने, लोकतंत्र की हत्या कर रहे ने। प्रोटेस्ट करना एक लोकतंत्र का हिस्सा है, हर समाजिक पार्टी का समाजिक संस्था का, सानू अच उस कर रोका गया। लेकिन अज जी जो अज का मुद्दा है, साढ़े राष्ट्र सचिव भारतीय जनता युवा मोर्चा के तजिंदर पाल बग्गा जी, उन्होंने एक झूठे परचा जो कि केजरीवाल के दबाव च आके उन्होंने रिमोट कंट्रोल के CM भगवंत मान ने अपने DGP तो कराया, उन्होंने एको ट्वीट किया कि मैं केजरीवाल को चैन ना सोन नहीं देवगा। यह एक पोलीटिकल स्टेटमेंट है, ऐसी कई पोलीटिकल स्टेटमेंट असं करते हैं। उत्ते धारा की लगाई गई 153A दंगे करा की, 506 धमकी देन की, क्या ये जी वर्डिंग यूज की उन्होंने कि मैं केजरीवाल को सोन नहीं देवगा रात को, यह कोई दंगे प्रधान की गल है? ये जेडे काम केजरीवाल सरकार कर रही है, ये आने तो पहले बड़े झूठे लुभाव ने वादे किए, गरंटियां दीतियां, बहुत झूठ बोलिया कि असं रिवायती पार्टियों तो अलग करा, अज ये भी रिवायती पार्टियों के नाल ही शुरू हो गए हैं, एक बदलाव की जी राजनीति करनी शुरू करती है। पर हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार ने जो पार्ट प्ले किया किसान देख दौ पुलिस अधिकारी किए गए पंजाब के? देखो जी, हरियाणा सरकार ने बहुत तो दिल्ली सरकार ने जोड़ा काम किया बहुत प्रशंसा योग है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने जोड़ा अपना भगवंत मान के दबाव च आके झूठा परचा दर्ज किया। एक जो किसी भी आप दूजी स्टेट च लैन जाने अरैसट कर जाने, एक वह प्रोसीजर होंगे, प्रोसीजर अडोप्ट करना होंगे, वो उतों की स्टेट न उतों की स्टेट की DGP उतों के थाने दसना पैंता है। लेकिन पंजाब पुलिस ने प्रोटोकॉल